अभी पीछे गाइस इतना सारा ट्रैफिक था ना, मतलब हालत खराब हो गई, रॉकेट बनानी पड़ी ट्रैफिक में भी। अरे इंट्रो बोलना तो भूल ही गया। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मी अगस्त एंड यू आर वाचिंग प्रो राइडर 1000। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस समय हो रहा हूँ मैं कतई लेट कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है इंटर्नशिप के लिए। तो मेरे को ना एक महीने के लिए इंटर्नशिप करनी है कॉलेज में, क्योंकि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए होता है नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। और ट्रैफिक देख लो जरा राइट में कितना ज्यादा है, और इससे ज्यादा ट्रैफिक ना पीछे लगा हुआ था। और 5 मिनट बचेगा, इस 5 मिनट 9:55 हो रहे हैं, 10 बजे मेरा इंटरव्यू हो, मैं लेट हो रहा हूँ यार भाई। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो नेक्स्ट सेमेस्टर कैसे पहुंचूंगा, गेटिंग लेट फॉर इंटरव्यू। और आज आने वाले आपको बहुत ज्यादा मजे, क्योंकि आज मिलेगा आपको कॉलेज रिएक्शन बहुत ज्यादा बताना। वो वो भाई रॉकेट बनानी पड़ रही है Z1000। रिएक्शन देखे कितने सेक्सी थे। तो आप सब लोग को मैं एक और बात बताता हूँ जो बहुत ज्यादा सीरियस है, कि मेरी 3 वीडियोस खराब हो गई थी, क्योंकि ना तीनों वीडियोस में माइक का एरर आ गया था और गाइस सही में रोना आ गया था। मैंने आप सब लोगों ने ना बहुत मेहनत से रिएक्शन बनाए थे बढ़िया बढ़िया, पर माइक खराब होने के चक्कर में उसमें आवाज़ ही नहीं आई, इस चक्कर में मैंने उसको डाली नहीं, क्योंकि बिना आवाज़ के तो वीडियो में मज़ा ही नहीं आएगा। अभी थोड़ी बातें कम करता, बाइक रॉकेट भगाता जरा। तो मेरे बैग में लगातार कॉल आ रहे हैं, मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है कि मुझे कॉलेज से कॉल आ रहा है, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ फाइनली। और आजकल कांवड़ यात्रा भी चल रही है, फाइनली मैं कॉलेज के पास पहुंच चुका हूँ फाइनली यार, थोड़ी खुशी मिल रही है खुशी मिल रही है, पर अभी पटने वाली है, क्योंकि अभी सर बोलेंगे आप लेट क्यों हो चुके हो भाई, आपको 10 बजे बुलाया था एग्जैक्ट, क्यों अब 10:01 हो चुके हैं। तो फिर से कहानी बनानी पड़ेगी गाइस, बहुत प्यारी सी, कि व्हाई आई एम लेट। अब इसमें ना मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अलार्म बजा नहीं, मैं उठा नहीं गाइस। 2 घंटे के वेट के बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर मेरा रिज्यूम है, अब जा रहा हूँ मैं इंटरव्यू देने, और पीछे वाला कैमरामैन अभी भी हंस रहा है, आजा तुम गाइस। सही में ना हालत खराब हो रही है, अभी इंटरव्यू देने मेरे को अपना इंटर्नशिप के लिए, आजा फॉलो मी। कॉल बॉय का इंटरव्यू? ओ भाई कॉल बॉय का इंटरव्यू नहीं है, कैमरे को आए तो बोल दे। कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है मेरा इंटरव्यू, और हालत मेरी तो खराब, तो मिलता हूँ आप सब लोगों से इंटरव्यू खत्म होने के बाद। और बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो कम से कम, कवर तो नहीं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक टू मी। डर लग रहा है वो कट नहीं होगा कुछ भी गाइस, कब आ जाए जाना है अंदर जाने लास्ट डेस्ट। तो फाइनली मैं अपना इंटरव्यू देके आ चुका हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। गाइस हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा खराब, सर ने सारे क्वेश्चन पूछे ना, मतलब एक बार ही मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा इंटरव्यू दूँ अपना, और एक नंबर इंटरव्यू देके आऊँ, देखता हूँ सेलेक्ट होता नहीं होता। आप लोगों से सीधा मिलता है कॉलेज रिएक्शन पे। अभी मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है ना गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है पूछो मत, शायद से मैं इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाऊँ। हालत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, अब आ रही है गाइस कॉलेज रिएक्शन की, लेट गो बेबी। रिएक्शन दे गाइस, पकड़ ले, पिलियन राइडर कर रहा। ओ भाई पटाखे मार रही एक नंबर,
भयंकर यार। पीछे वाले की बड़ी बड़ी गाइस मजा आ रहा है यार। आप सब लोग आवाज सुनो, आवाज कितनी प्यारी है। हेलो भाई, पहाड़ गिरा कसके, कहीं गिर गया तो आफत हो जाएगी। लड़की देख रही दिखाई देगा हमने। पापा की परिया डर गई भाई। मौसम बहुत सेक्सी है। पिकअप टेस्ट, पिकअप टेस्ट। रिएक्शंस तो ऐसे उछल रहा है मतलब तू बैठ ही नहीं पा रहा ना गद्दी में। थोड़ी पिकअप टेस्ट करने के आ रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उसे पकाया नहीं। हेलो, पकड़ ले पिकअप टेस्ट, पिकअप टेस्ट करूंगा, पिकअप टेस्ट। आपका नाम क्या है? आप बीबी में हो ना? ये हमारे सेक्शन में है ना, हमारे सेक्शन में है ना ये लड़की। आप तो बीएससी? फिर ओके ओके, एग्जाम है। मुझे लगा हमारे उसमें एग्जाम है। एग्जाम है ना, बेस्ट ऑफ लक। ये ला रुको रुको, बेस्ट ऑफ लक है। हाँ थैंक यू, मस्ती ले रहेगा ये लड़की उसे। भाई मेरी लग गई थी, मेरी टायर हवा में हो गया, हैंडल ऐसे ऐसे हो गया। अरे मजे आ गए। ओ भाई क्रेजी यार, क्रेजी क्रेजी गार्ड भैया मेरे बहुत अच्छे फैन है। भैया बोल रहे पूरा आतंक मचा रखा तूने यहाँ की रोडों पे। आई होप ये रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा, बहुत एक नंबर था। छपरी आगे, छपरी छपरी इज बैक। अपना ही दोस्त है गाइस। वही रेस कर रहा है, रेस करेगा। आ जा, बंदे ने पूरा एक्सीलेटर घुमा रखा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे कच्चे, अरे 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 ऐसे कैसे। ओ भाई, ओ भाई। Guys, school reaction. Bye.
थोड़ी है आप सब लोगों को स्कूल रिएक्शन दिखाने के लिए। शीशा खोल ऊपर, शकल दिखा दे, बता तूने गर्लफ्रेंड के लिए नहीं मुझे काटी अपनी, दिखा दिखा दे दिखा दे, देखो देखो छुपा रहा है भाई, गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या कर देते हैं ना आज के लड़के। सो फाइनली पेट भर के खाना खा लिया है, अब घर को निकल रहा हूँ गाइस। तो मेरे से जितना हो सका मैंने आप सब लोगों के लिए उतना व्लॉग करा। अगर इस वीडियो में 60,000 लाइक्स आ रहे तो मैं आप सब लोगों के लिए एक और कॉलेज रिएक्शन बना के लाऊंगा, वो भी खतरनाक। डील हो गया है, कैसे भाग रहे, देखो अरे गाइस एक तरफ नट डील हो गया है, इसको ऐसे कर देता हूँ कुछ देर के लिए, कोई नहीं। मैं आप सब लोग के लिए ऐसी क्रेजी कंटेंट बना के लाऊंगा, वो भी खतरनाक, वो भी खतरनाक रहे के साथ। ओ मजा आ गया यार, ये पता नहीं क्या हो गया, इसका नट ढीला हो गया इसको। तो अभी मैं कावासा के शोरूम जा रहा हूँ, तो वहां पे टाइट करवा दूंगा इसको फटाफट। अच्छा कटिंग 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 मार रहा है भाई, अरे 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 कतई कतई कतई। मैं मस्ती ले रहा हूँ इसके साथ, मैं भगा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से चला रहा हूँ। और इसकी एवरेज बताता हूँ कितनी है, अभी ये मुझे 7.5 का एवरेज दे रही है, तो इसका सिटीज में एवरेज 6-7 का एवरेज है, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं है। आपकी राइड्स पे डिपेंड करता है, अगर आप तेज़ भगाओगे तो 6-7 का एवरेज है, वैसे इसका 8-9 भी निकल जाता है कभी कभी। तो मैंने इसे वापस सेट करवा लिया, थोड़ा सही हो गया है, हल्का सा टेढ़ा है, पर घर जाके सीधा कर लूँगा, सीधा क्या मैं यहीं सीधा कर दूँगा। अबे अबे सारे रोड रेंज करेगा पब्लिक क्या है, चाबी दे चाबी दे। छपरी बॉय वॉन्ट टू फाइट विद मी, छपरी बॉय वॉन्ट टू फाइट विद मी।